आज शुरू कर रहे हैं चैप्टर फोर मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर किसी चार्ज को मूव कराएं तो उस चार्ज पे फोर्स लगता है वो फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होता है उसका डायरेक्शन क्या होता है ये समझेंगे आज के वीडियो में तो पहले एक एक्सपेरिमेंट से समझते हैं कि फोर्स का डायरेक्शन क्या होता है तो ये एक इंसुलेटर का बना हुआ स्टैंड है इसके ऊपर जो हैंगर है ये कंडक्टिंग वायर का है इसमें करंट फ्लो हो सकती है लेकिन इस पूरे सिस्टम में स्टैंड में करंट फ्लो नहीं हो सकती इसको हमने एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया इस वायर को हैंगर को तो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल को हमने यहाँ पर कनेक्ट किया एक स्विच के थ्रू और निगेटिव टर्मिनल को यहाँ पर कनेक्ट कर दिया इसके दूसरे सिरे के ऊपर तो अब जैसे स्विच को ऑन करेंगे तो करंट इस डायरेक्शन से आएगी और ऐसे फ्लो करेगी इसके अंदर इस हैंगर में तो इसको स्विच को ऑन किया तो करंट का डायरेक्शन होगा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ़ यानी यहाँ से करंट यू जाएगी फिर इधर जाएगी और फिर इस हैंगर के अंदर इस तरह से फ्लो करेगी और फिर ये बैटरी वापस तो ये एक क्लोज सर्किट बन गया और करंट फ्लो करने का मतलब है कि चार्ज फ्लो कर रहा है तो पॉजिटिव चार्ज फ्लो करेगा इस डायरेक्शन में जो हम करंट का डायरेक्शन है इसमें पॉजिटिव चार्ज फ्लो कर रहा है तो ये तो एक चार्ज मूव कर रहा था करंट का मतलब है कि लगातार इसमें से चार्ज मूव कर ही रहे हैं कंटिन्यूसली तो चार्ज का डायरेक्शन मूवमेंट का ये होगा और इस वायर के अंदर चार्ज का डायरेक्शन ये होगा यानी कि आउटवर्ड डायरेक्शन होगा आउटवर्ड डायरेक्शन का मतलब होता है कि स्क्रीन से हमारी तरफ आ रहा है यानी ये जो हमारी प्लेन सरफेस है स्क्रीन इस इससे हमारी तरफ अगर स्क्रू वहाँ से इधर आ रहा हो तो हमें उसकी टिप्स दिखाई देगी है तो सर्किल के अंदर अगर टिप्स बना देते हैं तो ये आउटवर्ड डायरेक्शन कहलाता है इन्वर्ट का मतलब ये होता है कि स्क्रू इस स्क्रीन के पीछे जा रहा है तो जब स्क्रू पीछे जा रहा होगा तो हमें उसका हेड दिखाई देगा इस तरह से तो ये उसका सिंबल होगा इन्वर्ट का तो ये सिंबल आउटवर्ड का है ये सिंबल इन्वर्ट का है तो चार्ज मूव कर रहा है आउटवर्ड डायरेक्शन में और हमें निकालना है कि चार्ज अगर मूव कर रहा है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर तो उसका फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा तो यहाँ पर एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करने के लिए एक मैग्नेट लगा दिया यहाँ पर मैग्नेट में नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड आती है इस डायरेक्शन में नीचे यानी डाउनवर्ड डायरेक्शन में तो इसमें जब चार्ज मूव कर रहा है इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर तो इस चार्ज के ऊपर एक फोर्स लगेगा यानी हर चार्ज के ऊपर फोर्स लगेगा तो ये जो हैंगर है ये इस तरह से इधर डिस्प्लेस हो जाएगा यानी इस डायरेक्शन में फ़ोर्स लग रहा है तो फोर्स का डायरेक्शन है ये लेफ़्ट टू राइट और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है डाउनवर्ड नीचे तो ये जो डायरेक्शंस हैं ये है अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल यानी अपने लेफ़्ट हैंड की उंगलियों को इस तरह फैलाया है कि ये उंगली आउटवर्ड डायरेक्शन में है ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में है और ये लेफ़्ट टू राइट है और ये सब आपस में परपेंडिकुलर हैं तो ये डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है यानी फोर फिंगर जो है ये फील्ड का डायरेक्शन मिडिल फिंगर जो है ये मूवमेंट का डायरेक्शन और हम जो है ये फोर्स का डायरेक्शन और इसको और अच्छी तरह समझने के लिए हमने क्यूब कंसीडर किया इस क्यूब में यहाँ पर चार्ज रखा तो डाउनवर्ड डायरेक्शन इसका ये है मैग्नेटिक फील्ड का ये डायरेक्शन हो गया चार्ज की वेलोसिटी का डायरेक्शन और ये डायरेक्शन जो होगा ये फोर्स का डायरेक्शन होगा तो ये सब आपस में नाइन्टी डिग्री का एंगल बना रहे हैं यानी कि बी और बी के बीच में एंगल नाइन्टी डिग्री होगा बी और एफ़ के बीच में एंगल नाइन्टी डिग्री होगा और ये वी और एफ़ के बीच का एंगल भी ये नाइन्टी डिग्री होगा और ये जो फोर्स लग रहा है इसे कहते हैं मैग्नेटिक लॉरेंस फोर्स वैसे तो लॉरेंस फोर्स होता है कि टोटल फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय ए मूविंग चार्ज इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों फील्ड की वजह से जो उस पर फोर्स लग रहा है उसका टोटल फोर्स होगा वो होता है लॉरेंस फोर्स अब चूँकि यहाँ मैग्नेटिक फील्ड की बात हो रही है इसलिए ये हो गया मैग्नेटिक लॉरेंस फोर्स ये होता है कि द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय ए मूविंग चार्ज इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड और एक्सपेरिमेंट में देखा गया कि जब ये चार्ज की वेलोसिटी का डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर होता है तो फोर्स मैक्सिमम लगता है और जब चार्ज की वेलोसिटी का डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन के पैरेलल होता है तो फोर्स ज़ीरो होता है तो इफ़ द डायरेक्शन ऑफ विलासिटी ऑफ चार्ज इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड देन मैगनेटिकल फोर्स विल बी मैक्सिमम तो परपेंडिकुलर का मतलब हुआ है कि मैग्नेटिक फील्ड से ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा हो ये इसके परपेंडिकुलर है और ये भी परपेंडिकुलर है इस डायरेक्शन में जा रहा है तो ये भी परपेंडिकुलर है तो विलासिटी का डायरेक्शन चाहे इधर हो तो चाहे इधर हो अगर ये परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक फील्ड के तो मैक्सिमम फोर्स लगेगा और अगर ये इसके पैरल है डायरेक्शन ऑफ विलासिटी मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन के पैरल अगर है तो फोर्स ज़ीरो होगा ये दो डायरेक्शन ऑफ वी ऑफ चार्जेस पैरल टू द डायरेक्शन ऑफ मैगनेटिक फील्ड देन मैग्नेटिकेंस फोर्स विल भी जीरो पैरल के मतलब कि डायरेक्शन ये इस तरह से हो कि मैग्नेटिक फील्ड और इसकी वास्टी का डायरेक्शन दोनों के बीच के आएंगे जीरो हो या वन एट्टी हो ये भी इसके पैरल है तब ये फोर्स जीरो होगा अब हमको निकालना है कि फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होगा तो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा चार्ज के मैग्नीट्यूड के यानी चार्ज का मैग्नीट्यूड जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा फोर्स लगेगा और फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मैग्नेटिक फील्ड के यानी फील्ड की स्ट्रेंथ जितनी ज़्यादा होगी फोर्स उतना ज़्यादा लगेगा और चार्ज की वेलोसिटी जितनी ज़्यादा होगी फोर्स उतना ज़्यादा लगेगा तो ये तीनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोर्स के और जब इसे कंबाइंड करेंगे तो ये होगा एफ इज़ इक्वल टू ए कॉन्स्टेंट क्यू वी बी तो ऐसा ही सिस्टम में कॉन्स्टेंट की वैल्यू वन होती है तो फोर्स हो जाएगा क्यू वी बी और ये उस वक्त है जब विलासिटी का डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर है और अगर ये परपेंडिकुलर ना होकर इस मैग्नेटिक फील्ड से कोई एंगल बनाते हुए जाए मान लीजिए थीटा एंगल बनाते हुए इसकी विलासटी का डायरेक्शन है तो इसका फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होगा अब हमको ये पता है कि विलासिटी का डायरेक्शन अगर मैग्नेटिक फील्ड के पैरल है तो फोर्स ज़ीरो होगा और अगर परपेंडिकुलर है तो फोर्स मैक्सिमम होगा तो हम इसके दो कंपोनेंट बनाएंगे एक इसके पैरेलल होगा और इसके परपेंडिकुलर होगा तो जो पैरेलल होगा वो होगा v कॉस थीटा और जो इसके परपेंडिकुलर है वो होगा v साइन थीटा तो ये जो पैरेलल वाला कंपोनेंट है यहाँ पर तो फोर्स हो जाएगा ज़ीरो इस तरह से अब सिर्फ पिक्चर में आएगा ये v sin थीटा जो इसके परपेंडिकुलर है तो परपेंडिकुलर है तो यहाँ v की जगह रख देंगे v sin थीटा तो ये हो जाएगा क्यू वी बी साइन थीटा अब इसको अगर वेक्टर फॉर्म मिलेंगे तो ये V जो है ये वेक्टर क्वांटिटी है B भी वेक्टर क्वांटिटी है तो इन दोनों क्वांटिटी के साथ साइन थीटा है तो अगर V B साइन थीटा है तो ये V क्रॉस B होगा या B क्रॉस V होगा अगर V B कॉस थीटा होता तो ये डॉट प्रोडक्ट होता और साइन थीटा है तो क्रॉस प्रोडक्ट है तो ये हो जाएगा v क्रॉस b या भी इसको लिख सकते हैं B क्रॉस वी ये भी हो सकता है अब यहाँ देखने वाली बात यह है कि V क्रॉस B अगर है तो भी उसका मैग्नीट्यूड ट्यूड क्यू वी बी साइन थीटा होगा और अगर B क्रॉस V है तब भी इसका मैग्नीट्यूड ट्यूड क्यू बी बी साइन थीटा होगा तो ये सही है या फिर ये सही है दो में से कौन सा सही है इसको चेक करना बहुत ज़रूरी है अब इसको थोड़ा सा इधर घुमा देते हैं हम लोग इसकी इस डायरेक्शन से देख रहे हैं हम देखेंगे इस डायरेक्शन से आसानी के लिए ऐसा कर रहे हैं कि इसको इधर को टर्न कर रहे हैं तो देखिए यहाँ पर चार से नीचे डाउनवर्ड डायरेक्शन में ये बी है और वी कॉस थीटा है इसके परपेंडिकुलर वी साइन थीटा है और इसके परपेंडिकुलर ये फ़ोर्स है तो जो घुमा दिया देखिए ये ये देखिए बी के साथ वी कास थीटा इसके परपेंडिकुलर वी साइन थीटा और ये इसके परपेंडिकुलर फोर्स तो ये जो फोर्स है ये आउटवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है यानी स्क्रीन से हमारी तरफ है और ये फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल के हिसाब से है अब हमको यहाँ पर यह देखना है कि वी क्रॉस बी सही है या बी क्रॉस भी सही है तो फॉर डायरेक्शन ड्यू टू क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स हम यूज़ करेंगे राइट हैंड रूल राइट हैंड को हम इस तरह रखेंगे कि ये थम जो है ये आउटवर्ड डायरेक्शन में हो यानी हमारी तरफ हो और ये उंगलियों को इस तरह से मोड़ेंगे तो ये थम का डायरेक्शन जो है ये फोर्स का डायरेक्शन होता है आउटवर्ड डायरेक्शन में तो यहाँ भी देखिए फोर्स आउटवर्ड डायरेक्शन में है तो ये उंगलियाँ इस तरह से मुड़ी हैं यानी इधर से इधर की तरफ जा रही हैं तो यहाँ पर भी बनाएंगे तो ये वी से बी की तरफ जा रहा है तो वी से बी की तरफ जा रहा है तो ये वी क्रॉस बी सही है और अगर ये उल्टा होता यानी डायरेक्शन ये होता अगर इसका बी से वी की तरफ जाता तो फिर ये सही होता तो फ़िलहाल यहाँ पर ये सही है और ये गलत है तो ये मैग्नेटिक लॉर्डेंस फोर्स निकल आएगा क्यू वी करॉस बी